सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे असरको एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने फ्रैक्शन में अनलाइक फ्रैक्शन तक का ऑल टू ऑल पार्ट कवर कर लिया था। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन का हमने ऑल टू ऑल पार्ट कवर कर लिया था। अब मुझे फ्रैक्शन के यही एक और टाइप है जो फॉर्म है, जिस तरीके से इसको लिखा जाता है फ्रैक्शन को, जिसको कहते हैं हम लोग मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन के ही एक और दूसरे फॉर्म है जिसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब देखना है मुझे कि मिक्स फ्रैक्शन को आखिर नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है, उसका तरीका क्या है और उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी हम लोग इसके आगे। जैसा कि अभी मैंने जस्ट आपको बोला था कि अभी हमें क्या देखना है, बताइए मुझे मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, मुझे देखना है मिक्स फ्रैक्शन। ये जो है एक तरीके से फ्रैक्शन का ही एक नया फॉर्म है, फॉर्म बोले तो इसको लिखने का एक तरीका है कि हम लोग मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में भी फ्रैक्शन को लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि मिक्स फ्रैक्शन को अभी हमें यहाँ पे क्या सीखना है, मिक्स फ्रैक्शन को हमें चेंज करने के लिए सीखना है कौन से फ्रैक्शन में, मुझे बताइए नॉर्मल फ्रैक्शन में। ठीक है जी, मिक्स फ्रैक्शन को हमें चेंज करके किस फ्रैक्शन में लिखने के लिए सीखना है, बताइए मुझे नॉर्मल फ्रैक्शन में, या मैं इसको कह सकता हूँ कि मुझे किस फ्रैक्शन में चेंज करना है, सिंपल फ्रैक्शन में। ठीक है, क्योंकि ऑलवेज आपको सिंपल फ्रैक्शन ही क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं एग्जांपल के तौर पे कि कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि 5 2 अपॉन में 8 प्लस 4 1 अपॉन में 7। तो सबसे पहली बात है कि अभी ऑलरेडी ये किस फॉर्म में है, मुझे बताइए मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है। ठीक है, अभी ये किस फॉर्म में है, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है। इसे सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मल फ्रैक्शन में यदि मैं इसको चेंज कर दूंगा, और मुझे ऑलरेडी पता है कि नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद ये फ्रैक्शन या तो कैसे फ्रैक्शन होंगे मेरे पास, लाइक फ्रैक्शन होंगे। ठीक है, या कैसे फ्रैक्शन होंगे, लाइक फ्रैक्शन होंगे या ये अनलाइक फ्रैक्शन होंगे। ये दो ही फ्रैक्शन हो सकते हैं, इससे ज्यादा फ्रैक्शन तो नहीं हो सकता, या तो लाइक फ्रैक्शन होगा या अनलाइक फ्रैक्शन होगा। ठीक है जी, चलिए लाइक फ्रैक्शन होगा, और यहाँ पे किस चीज का साइन है, प्लस का साइन है, मैं इसको डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड करके डिनोमिनेटर में जो भी डिजिट होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लगा देते हैं। और अनलाइक फ्रैक्शन होगा तो उसे क्या करना, अभी मैंने पिछली क्लास में आपको जस्ट बताया है ना कि अनलाइक फ्रैक्शन का ट्रीटमेंट आखिर हम लोग किस तरीके से करते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन को सबसे पहली बात क्या करते हैं, हम लोग लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, और उसके बाद फिर हमें क्या करना होता है, उसको हम लोग डायरेक्ट जैसे लाइक फ्रैक्शन को हम लोग करते हैं एडलेस, उसी तरीके से अनलाइक फ्रैक्शन को हम लोग आराम से एडलेस कर सकते हैं। चलिए यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब हमें देखना है कि मिक्स फ्रैक्शन को आखिर नॉर्मल फ्रैक्शन में हम लोग कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए एक मिक्स फ्रैक्शन में एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ, यहाँ पे मान लो 4 1/8 ले लिया। देखिए जी, मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में लिखने के लिए जो यहाँ पे 4 डिजिट लिखा हुआ है हमारे पास, इसको ऑलवेज डिनोमिनेटर के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और न्यूमरेटर को क्या करते हैं, ओवरऑल रिजल्ट में न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, मतलब आप इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे और इसके न्यूमरेटर को क्या करोगे, आप उसमें ऐड कर दोगे, तो आपके पास आराम से नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 4 into 8 plus 1 upon में कितना है हमारे पास, डिनोमिनेटर में 8, तो 8 एज इट इज रह जाएगा। तो हमारे पास नॉर्मल फ्रैक्शन में कितने हो चुके हैं, बताइए, सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 4 का कितना हो चुका है, 32 plus 1 upon में 8, तो हमारे पास हो चुका है 33 upon में 8। ये हमारा हो चुका है नॉर्मल फ्रैक्शन। ठीक है, तो नॉर्मल फ्रैक्शन में हम लोग इस तरीके से आराम से इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ में मुझे नहीं लगता है किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत आपको आ रहा होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसके जस्ट आगे। अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको सबसे पहले क्लास में बताया था कि देखिए मैथ्स में जो हम लोग दो तरीके की चीज़ों को पढ़ा था, एक तो पढ़ा था हमने कॉन्स्टेंट, और सेकेंड में क्या देखा था हमने, बताइए मुझे वेरिएबल्स। तो अभी हमने सबसे पहली बात किसके सारे समेशन मल्टीप्लीकेशन डिविजन
और सब्ट्रैक्शन जो है ऑल टू ऑल हमने किसका देखा, सिर्फ अभी कांस्टेंट का देखा है और साथ के साथ फ्रैक्शन वाले का भी देख लिया हमने, ठीक है। अब मुझे देखना है कि वेरिएबल का, सबसे पहली बात क्या देखना है मुझे बताइए, वेरिएबल का देखना है आपको एडिशन, कि आखिर कैसे कैसे वेरिएबल जो है वो एक साथ ऐड होते हैं और कैसे कैसे वेरिएबल एक साथ एस या लेस हो ऐड या सॉरी ऐड या लेस हो सकते हैं और कैसे कैसे वेरिएबल जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं और उसके आखिरकार रिजल्ट क्या होता है, ठीक है। और इसी का हमें लास्ट में देखना है डिवीजन, ठीक है, कि आखिर हम लोग वेरिएबल को किस तरीके से डिवाइड करते हैं। देखिए ये सारी चीजें मैं मानता हूं कि बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ओवरऑल आपका जब तक इस चीज के ऊपर कमांड नहीं होगा आपका मैथ्स जो है वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये मैथ्स में काफी ज्यादा अप्लीकेशन इस चीजों की आती है, तो इसलिए बहुत छोटी चीजें हैं, आप यदि एक बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी कोई खास दिक्कत है। चलिए अभी हम लोग करना शुरू करते हैं, वेरिएबल के एडिशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात मैंने आपको बोला था कि आखिरकार में वेरिएबल, आप मुझे खुद बताइए तो वेरिएबल्स क्या होते हैं। ए टू जेड तक के सारे लेटर्स के, मैं लेटर्स को मैंने बोला था कि वेरिएबल है, जितने भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं सबके सब वेरिएबल हैं। वेरिएबल इसलिए हैं कि क्योंकि इसके जो है इसके वैल्यू जो है वो वेरी करते रहते हैं। अब इसकी वैल्यू कैसे वैरी करता है वो मैं आगे आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, अभी सिर्फ आपको इतने थोड़े से दिमाग में रख लेना है कि इसकी वैल्यू वैरी करती है, इसलिए ये किस चीज के अंदर आता है, वेरिएबल के अंदर आता है, ठीक है जी। चलिए अब मुझे क्या करना है, समेशन सीखना है, तो आप एक बात को तो बहुत अच्छे से सीख लीजिए उससे पहले, समेशन सीखने से पहले, कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो भी मेनली टू टाइप्स के ही होते हैं। समेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हो जाएगा कैसा, बहुत आसान, एक तो लाइक और दूसरा हो जाएगा हमारे पास अनलाइक, ठीक है। लाइक और कैसे वेरिएबल मुझे बताइए, अनलाइक वेरिएबल, ठीक है। देखिए लाइक वेरिएबल हम लोग ऑल टू ऑल ऐसे वेरिएबल को बोलेंगे जिसके जिस वेरिएबल में पावर और वेरिएबल दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। चलिए मतलब ऐसा वेरिएबल जिसमें वेरिएबल के साथ साथ उसके पावर भी सेम होने चाहिए, मतलब यहाँ पे लाइक होने के लिए तो दो टर्म का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिंगल टर्म में आप क्या सीखेंगे कि लाइक है या अनलाइक है, कंपैरिजन तो हमेशा कम से कम दो टर्म के बीच में होता है। तो इसलिए हमारे पास, जैसे मैं मानता हूँ कि एक हमारे पास 5x है और दूसरा हमारे पास 6x हो गया, आप मुझे खुद बताइए कि 5x तो दोनों के साथ कौन से वेरिएबल जुटे हुए हैं, दोनों के साथ में x है। अब आप मुझे बताइए दोनों में वेरिएबल का जो पावर है, दोनों में वेरिएबल के जो पावर है वो कितने कितने हैं, यहाँ पे भी x का नहीं कुछ पावर तो 1 और यहाँ पे 1, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि दोनों में सेम वेरिएबल है और वेरिएबल का पावर भी सेम है, इसलिए ये दोनों कैसे वेरिएबल हो गए हमारे पास, लाइक वेरिएबल या लाइक टर्म हम लोग कह सकते हैं कि वेरिएबल में कैसे टर्म है, ये लाइक टर्म है, ठीक है। तो लाइक आपको पहचानना आसान लग रहा होगा, देखिए लाइक मतलब वेरिएबल कुछ और भी हो सकता है, लेकिन यदि दोनों में सेम वेरिएबल है और दोनों के पावर भी सेम है तो ये दोनों हमेशा ही लाइक वेरिएबल कहलाएंगे, ठीक है। मतलब पावर जरूरी नहीं है कि एक ही हो, दो भी हो सकते हैं हाँ लेकिन दोनों में हो, तीन भी हो सकते हैं लेकिन तीन दोनों में हो, ठीक है, चार भी हो सकते हैं लेकिन दोनों में हो, तो पावर की कोई यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है कि 1 ही हो, 2 ही हो, 3 ही हो, 4 भी हो सकता है लेकिन दोनों वेरिएबल में सेम पावर हो, तब जाके वो दोनों लाइक टर्म कहलाएंगे, ठीक है। यहां तक में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको हो सकती है। चलिए आगे एक दो एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पे यदि मैं लिखूं कि लाइक के, लाइक वेरिएबल के ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, ठीक है, अब मैं यहाँ पे यदि मैं लिखूं लाइक वेरिएबल, ठीक है, लाइक टर्म किस चीज के अंदर मुझे देखना है मुझे बताइए, वेरिएबल के अंदर देखना है, तो एक नंबर में मैं लिख सकता हूँ 5x2, ठीक है, और 10x2, दोनों में क्या है बताइए मुझे, x है, ठीक है, x है और दोनों में x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, इसलिए ये दोनों लाइक टर्म, ठीक है। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे मान लो 10y2 और 15y2, ये दोनों भी कैसे टर्म हो गए, मतलब लाइक टर्म के अंदर आएंगे क्योंकि दोनों में सेम वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल का पावर भी सेम है,
ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी एग्जांपल कह सकते हैं, जैसे 6x³ और 5x³, ये दोनों भी कैसे टर्म है, लाइक टर्म है। जैसे मैं कह दूं 6x² लेकिन मैं कह दूं 5x³, अब बताओ क्या मुझे दोनों ये लाइक टर्म है क्या? नहीं, अब ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 और यहाँ पे कितने हैं बताइए मुझे, पावर 3 है, इसलिए ये दोनों लाइक टर्म नहीं है। ठीक है भाई, अब मुझे लाइक और अनलाइक समझ आ चुका है। अब एक बात बताइए मुझे, ये दोनों यदि लाइक टर्म नहीं है तो ये दोनों कैसे टर्म होंगे बताइए? ये दोनों तो अनलाइक टर्म होंगे ना, ये दोनों यदि लाइक टर्म नहीं है तो ये दोनों कैसे टर्म है? ये दोनों अनलाइक टर्म है। तो अब मुझे लाइक टर्म का क्या ट्रीटमेंट करना है और अनलाइक टर्म का क्या ट्रीटमेंट करना है, अब मुझे वो देखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके पास यदि लाइक टर्म होता है, ठीक है, वेरिएबल में यदि लाइक टर्म होता है तो आप हमेशा माइंड में सेट कर लीजिए कि लाइक टर्म को ऑलवेज हम एक दूसरे के साथ एडलेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपके पास हो गया वेरिएबल, ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपके पास लाइक टर्म, ठीक है, और ये आपका हो चुका है कैसे टर्म बताइए मुझे, अनलाइक टर्म्स। ठीक है, तो ये कैन बी एडेड, कैन बी एडेड, और क्या कर सकता हूं मैं इसको, सब्ट्रैक्टेड, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अनलाइक टर्म होंगे तो ये आपस में कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इसके सामने क्या लिख सकता हूँ, कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, मतलब अनलाइक टर्म आपस में कभी भी एड और सब्ट्रैक्ट नहीं किए जा सकते हैं। लाइक में जैसे मैं कह दूं 5x² प्लस में लिख दूं मैं यहाँ पे 10x², आप मुझे आंसर बता सकते हैं कितना होगा? देखिए अब इसके ऐड करने के तरीके को हमें सीखना है। x² तो एज इट इज रहेंगे, लेकिन 5 है और ये 10 है, तो दोनों के जो कॉन्स्टेंट टर्म होते हैं वो आपस में एड हो जाते हैं। ठीक है, तो 10 प्लस 5 कितना हो चुका है हमारे पास, 15, तो हमारा रिजल्ट क्या हो चुका है, 15x². देखिए 15x² हो चुका है, लेकिन मैं कह दूं 5x प्लस में 10y, तो बताइए मुझे क्या ये दोनों आपस में टर्म कभी ऐड होंगे क्या? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म है, तो अनलाइक टर्म आपस में ऐड नहीं होगा। हमारा ऑल टू ऑल यही इसका आंसर भी हो सकता है, यदि कहीं पैसे स्टेप आए तो हमारे पास आंसर ही सेम स्टेप्स हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि लाइक टर्म्स में आखिर हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट किस तरीके से करते हैं। ठीक है, मतलब लाइक टर्म होगा तो उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन आखिर हम लोग किस तरीके से करेंगे। देखिए अनलाइक टर्म होंगे तो ऐड और सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ अभी मैंने आपके साथ ये बात नहीं बोला है कि मल्टीप्लाई और जो है ना और डिवाइड भी नहीं हो सकता, ये मैंने नहीं बोला है। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है, हद तक होता है, वो कहां तक होता है अभी हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन कहां तक होता है अभी सिर्फ मुझे क्या देखना है, पहले देखना है लाइक टर्म्स के। ठीक है, तो चलिए लाइक टर्म्स के देखते हैं दो एग्जांपल। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 10x² प्लस में 10x³, तो देख बताइए मुझे क्या ये दोनों आपस में ऐड होंगे क्या? नहीं हो सकते ऐड, तो हमारा सेम रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, जो ऐड होगा सिर्फ मैं उसका आंसर लिखूंगा, और जो ऐड नहीं होगा उसके सामने मैं क्रॉस का साइन लगा दूंगा। ठीक है, तो देखिए 10x प्लस में 15x बताइए मुझे ऐड होगा, होगा कितना आंसर हो जाएगा, 25x। ठीक है, यहाँ पे इसके पावर को एडलेस नहीं करेंगे, याद रखना आप, इसलिए कि यहाँ पे दोनों के बीच में किस चीज का साइन है, प्लस का साइन है, कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं है जो हम इसके पावर को ऐड करेंगे। ठीक है, मतलब आप इस एग्जांपल को बहुत आराम से समझ सकते हैं कि आपके पास यदि 10 मैंगो है, ठीक है, प्लस में मैंने कह दिया कि 5 मैंगो मैंने आपको और दे दिया, आप मुझे बताइए कि 10 और 5 कितने मैंगो हो गए आपके पास, तो 15 मैंगो हो गए कि नहीं हो गए? इतना ही मैंगो होगा ना, इससे ज्यादा मैंगो थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये 15 मैंगो साथ में आप क्या करते हैं, दोनों में मैंगो को लगाते हैं, तो सेम आपको इसी तरीके से समझ के चलना है कि 10x है और 15x है, तो 25 हो चुका है, और लास्ट में आप क्या लगाओगे, x तो लगाओगे ना, x को तो छोड़ के नहीं चल सकते हम लोग। यहाँ पे 15 में आखिर आपके पास है क्या, 15 रुपीज नहीं है, या 15 हाउस नहीं है, या 15 आपके पास शर्ट्स नहीं है, 15
आपके पास पैंट्स नहीं है, जींस नहीं है, लेकिन 15 आपके पास क्या है, मैंगो है, तो आपको कहीं ना कहीं बताना तो पड़ेगा ना कि 15 काउंटिंग के क्वांटिटी में आखिर आपके पास क्या है। तो 15 हमारे पास क्या है, एक्स। इस तरीके से हम लोग आराम से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब तो बात रही यहाँ पे क्या, सेम साइन की। सेम बात है भाई, आपको मैंने कॉन्स्टेंट में ही बताया था कि सेम साइन में एड करते हैं और साइन जो दोनों डिजिट्स में होता है उसको लगाते हैं। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम बात है, मतलब सेम साइन में हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। वहां पे हमने पढ़ा था कि अपोजिट साइन में हम लेस करते हैं और साइन बड़े वाले डिजिट का लगाते हैं, तो यहाँ पे भी हमें सेम टू सेम करना है। अपोजिट साइन में हम लोग सिंपल सी बात है लेस ही करेंगे और साइन बड़े वाले डिजिट का लगाएंगे। यहाँ पे कुछ अलग नहीं चल रहा है, सेम टू सेम चल रहा है, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल तो हमने प्लस वाले का देख लिया है। अब जैसे मैं कह दूं कि 15x और प्लस में मान लो कि 10x मैंने आपको लिख के दिया, तो माइनस में 15x है और प्लस में 10x है, तो बताइए कैसे साइन हो गए मेरे पास, अपोजिट साइन हो गए ना। तो अपोजिट साइन में हम लोग क्या करते थे, आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो पीछे की वीडियोस में यदि आपने देखा होगा, तो अपोजिट साइन में ऑलवेज हम लोग क्या करते थे बताइए मुझे, लेस करते थे भाई। अपोजिट साइन में लेस करके साइन जो है ऑलवेज हमने क्या बोला था, किस डिजिट को लगाना है मुझे बताइए, बिगर डिजिट के साइन को लगाना है, ठीक है। इसको लेस करके साइन बिगर डिजिट के लगाना है। अब मैं यदि लेस करूंगा तो 5 तो आएगा, x भी तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई भी जो है डाउट नहीं है। बात रही अब किसकी साइन लगेगी, तो 15 की। 15 की साइन क्या है, माइनस में 5x। देखा, मतलब बहुत आसान है। ऑलरेडी आपने जो कांस्टेंट के सम और जो सब्ट्रैक्शन देखा था ना, उसी के बेस पर है और कुछ ये अलग नहीं, ठीक है। मतलब लास्ट क्लास में जो हमने ऑलरेडी कर रखा है, लास्ट वीडियोस में जो हमने करा हुआ है, उसी के सारे एप्लीकेशन अब क्या होते जाएंगे बताओ, यहाँ पे भी रिपीट होते जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ अलग नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन मुझे लगता है कि अब आपको समझ आ रहा होगा। एक दो जो है मैं थोड़ा एग्जांपल आपको और भी करा देता हूँ, जैसे आप ही को यदि मैं करने के लिए दूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप मुझे बताइए कि -5x और मैंने लिख दिया यहाँ पे +10x, ठीक है। देखिए जो ऐड होगा सिर्फ उसमें आपको आंसर लिखना है, जो नहीं होगा है उसमें आपको डायरेक्ट क्या कर देना बताइए, क्रॉस के साइन लगाने और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ जो ऐड होगा उसी के आंसर्स को बताना है और किसी के आंसर्स को नहीं। तो -5xx² और मैंने लिख दिया यहाँ पे प्लस में 10xx². थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमारे पास माइनस में 10xx² माइनस में 6xx², ठीक है। और फोर्थ नंबर में जो है माइनस में मान लो 10xx² प्लस में लिख दिया मैंने 15xx², ठीक है। फाइव में माइनस में 6x³ प्लस में 10x⁴। सिक्स में हो गया हमारे पास, ठीक है, माइनस में 10x⁴ प्लस में 5x⁴। अब हम लोग देखते हैं इतने ही आंसर्स को निकाल के पहले, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात मुझे सबसे कौन से आंसर को बताना है, सबसे पहले इसमें माइनस का साइन लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस का, अपोजिट साइन है। चलिए अपोजिट साइन में हम लोग क्या करते हैं, पहले सबसे पहले बात तो देखना है कि दोनों लाइक टर्म है भी या नहीं, ठीक है। तो लाइक टर्म होगा तभी जाके दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं, इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए अनलाइक टर्म को हम लोग एडलेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो वो एज इट इज ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन यदि लाइक टर्म होगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इतना बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लाइक टर्म है लेकिन दोनों के साइन कैसे है, अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन में हम लोग क्या करते हैं बताइए मुझे, लेस करते हैं। तो लेस कर देंगे तो कितना आएगा, 5। अब देखिए लेस करके साइन किसका लगाएंगे, बड़े वाले डिजिट का, तो बड़े वाले डिजिट का साइन किस चीज में है बताइए मुझे, प्लस में है, तो प्लस तो लगेगा नहीं, तो ओनली 5x हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है, सेम चल रहा है जैसा कॉन्स्टेंट का चलता था वैसा इसका भी चल रहा है, तो इतना ज्यादा कोई दिक्कत या घबराने वाली बात ही नहीं है सबसे पहली बात तो। चलिए अब सेकेंड आप मुझे बताइए कि लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म है भाई, अनलाइक टर्म है कि लाइक टर्म है, लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म है तो इसके साइन कैसे है, अपोजिट, अपोजिट साइन में क्या करते हैं, लेस करते हैं, तो लेस करके कितना, 5x², बात रही साइन किसका लगना है मुझे बताइए, प्लस का है कि माइनस का, प्लस का, क्यों, क्योंकि बड़े वाले डिजिट का साइन प्लस का है, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 5xx², ठीक है। अब देखते हैं इन दोनों में लाइक टर्म है कि अनलाइक, लाइक टर्म है, साइन कैसे है, दोनों के सेम साइन है, तो सेम साइन में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो इनको जोड़ के कितना हो गया, 16xx², अब बात रही किस चीज का, साइन किसका लगाना है, तो साइन किसका लगाना बताइए मुझे, जो दोनों डिजिट में होते हैं, तो माइनस में 16xx² भी हमारा आंसर। चलिए लाइक टर्म है कि अनलाइक है, लाइक है, ठीक है, साइन अपोजिट है कि सेम साइन है, अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन में क्या करते हैं, लेस करते हैं, लेस करके कितना हो गया, 5xx², क्योंकि 15 में से 10 को लेस करेंगे, अब साइन
किसका लगाएंगे, बड़े वाले डिजिट का, तो बड़े वाले डिजिट का साइन कितना है बताइए मुझे, प्लस में है, तो प्लस में फाइव तो प्लस में तो लिखते ही नहीं है आप, सिर्फ सिक्स एक्स लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये प्लस में सिक्स एक्स है, ठीक है। अब यदि 5x स्क्वायर लिख रहे हैं तो ये प्लस में है, तो प्लस के साइन को हम लोग पहले नहीं लगाते हैं किसी भी डिजिट से पहले, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर। चलिए अब आगे चलते हैं, दोनों लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म है, तो अनलाइक टर्म है, तो बताइए मुझे आपस में क्या ऐड होंगे, नहीं होंगे। लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म है, ये दोनों हमारे पास लाइक टर्म है, लेकिन साइन किससे है, अपोजिट किससे है, अपोजिट, तो अपोजिट साइन में हम लोग क्या करते हैं बताइए मुझे, लेस करते हैं, लेस करके कितना हो गया बताइए मुझे 5x की पावर 4। अब साइन किसका लगेगा, बड़े वाले डिजिट का, तो बड़े वाला डिजिट कौन सा है 10, 10 के पीछे किस चीज का साइन है, माइनस का, तो माइनस 5x की पावर 4, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, ठीक है। चलिए यहां तक यदि आपने समझ लिया है तो इसको एक बार आप अच्छे से जो है रिकैप कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग कम कम चीजें को साथ के साथ सीखते जाएंगे, क्योंकि ये देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और कम से कम समय में यदि आप सीख लेंगे तो आपसे क्या होगा बताइए, फिर मैथ इतना ज्यादा कभी मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि यही तो सारा चीजें हैं जिनके कारण मैथ कहीं ना कहीं जो है ना बच्चे को बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि मैथ से जो है टफ कोई सब्जेक्ट ही नहीं, ठीक है। तो सबसे बड़ा कारण जो है वो यही है जो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं बताइए, पढ़ रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट आपका अच्छा है ना, तो मैथ्स के हम कर रहे हैं कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा कि आपके करने में जो है ना आपको करने में बहुत ज्यादा मुश्किल लगेगा, कोई ऐसा टॉपिक नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। बशर्ते आपको क्या करना है, बेसिक को थोड़ा सा जो है ना साथ में लेके चलो, ठीक है। चलिए एक काम कर सकते हैं, अभी तक के बेसिक कंसेप्ट पर जो है हम होगा तो बीच में एक जो है वीडियोस डाल देंगे जिसपे सब कुछ आधारित प्रश्न ही होंगे, सिर्फ उसमें कुछ जो है थोड़े बहुत हम लोग नए टॉपिक को कवर कर लेंगे और साथ में पूरा का पूरा प्रश्न देंगे वहां पे, ठीक है। तो आपको देखना है, आपको चेक करना है कि आप उसमें से कितने प्रश्न जो है वो खुद से कवर कर पाते हैं, कितने क्वेश्चन है जो खुद से कवर कर लेते हैं। यदि आप खुद से कवर कर लेते हैं तो मतलब ये है कि आपकी बेसिक नॉलेज जो है अभी तक मैंने आपको जितना कुछ कराया है उसके हिसाब से आप बिल्कुल वहां तक में फिट हैं, फिर आपको आगे इतना ज्यादा कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।